नमस्कार दोस्तों, आज से हम नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं साइंस, और साइंस में शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी। वी ऑल नो साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ऑल कंपटीशन एग्जाम। डियर फ्रेंड्स, आई विल कवर साइंस एज जनरल स्टडीज और जीके जीएस, नॉट एज सब्जेक्टिव एज लाइक नेट जेआरएफ। सो फर्स्ट टॉपिक आई विल स्टार्ट इन साइंस इज बायोलॉजी। बायोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीव प्राणियों जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं। फ्रेंड्स, मैं कोई शॉर्टकट तरीका से नहीं पढ़ाता हूँ, शॉर्टकट तरीका से कोई सफलता हासिल नहीं होती, हम सब जानते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। द टर्म बायोलॉजी इज गिवन बाय लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने। द टर्म बायोलॉजी इज गिवन बाय लैमार्क एंड ट्रेविरेनस इन 1802। फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है कि जो शब्द है बायोलॉजी वो किसने प्रोपाइंड किया था, किसने बताया था, तो वो है लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। इसको फ्रेंड्स हम शॉर्ट वे में भी डिफाइन कर सकते हैं, और स्टडी ऑफ लाइफ, जीवन का अध्ययन इज नॉन एन बायोलॉजी। वी ऑल नो प्लांट एंड एनिमल्स प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, बोथ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो वी स्टडी इन बायोलॉजी प्लांट्स एंड एनिमल्स। बेसिकली बायोलॉजी इज डिवाइड इन टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज बॉटनी एंड सेकेंड वन इज जूलॉजी। बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड जूलॉजी, हेयर इज प्लांट, स्टडी ऑफ एनिमल्स। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात करेंगे हम बॉटनी की। बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स। नाउ फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? द फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। Why the father of botany is Theophrastus? What was the work which was done by Theophrastus? Prepared 500 plants list. Theophrastus ने 500 plants की list prepare की थी, जिसकी वजह से हम इनको father of botany बोलते हैं। टुडे वी डिस्कस ओवरव्यू ऑफ बॉटनी। वी ऑल नो प्लांट्स बेसिकली आर थ्री टाइप्स।
जनरली वी विल डिस्कस थ्री फॉर्म्स. बिग फॉर्म इज ट्री, देन श्रब्स एंड हर्ब्स. दिस फॉर्म आर बेसिकली वी स्टडी. टुडे वी विल सी द ऑल फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स किंगडम. प्लांट्स आर डिवाइडेड इंटू टू डिविजन्स. फर्स्ट वन इज क्रिप्टोगेम्स. सेकेंड वन इज फेनेरोगेम्स. फर्स्ट इज वी विल सी फर्स्ट वन इज क्रिप्टोगेम्स. व्हाट इज क्रिप्टोगेम्स? इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन डिस्क्राइब क्रिप्टोगेम्स फ्लावरलेस एंड सीडलेस प्लांट्स. फ्लावरलेस एंड सीडलेस प्लांट्स समझ गए होंगे आप. वह प्लांट्स जिनमें फ्लावर और सीड्स दोनों ही नहीं पाए जाते इज नोन एज क्रिप्टोगेम्स. रिप्रोडक्शन इन क्रिप्टोगेम्स ये होता है फ्रेंड्स स्पोर्ट्स के माध्यम से. स्पोर्ट्स बाय स्पोर्ट्स. ओके क्रिप्टोगेम्स फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स. क्रिप्टोगेम्स फर्दर थ्री ग्रुप्स. फर्स्ट वन इज थेलोफाइटा. जैसे एल्गी एंड फंजाई. सेकंड इज ब्रायोफाइटा. जैसे लिवरवर्ट्स ईटीसी. एंड थर्ड इज टेरिडोफाइटा. नाउ फर्स्ट वन इज थेलोफाइटा. फ्रेंड्स थेलोफाइटा इज द इनिशियल ऑफ प्लांट्स. ये प्राइमेटिव होते हैं एंड सिंपलेस्ट एंड प्लांट बॉडी लाइक थैलस. प्लांट बॉडी है वो होती है इनकी थैलस लाइक. मतलब थैलस मीन्स थैलस किसको बोलते हैं? अनडिफ्रेंशिएटेड अनडिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स. थैलस जिसमें रूट स्टेम एंड लीव्स नहीं पाए जाते हैं. थैलस इज होता है एज लाइक थैलस. फ्रेंड्स इसमें ना ही रूट है नो रूट नो स्टेम एंड नो लीव्स. ओके दिस इज थैलस. सेक्स ऑर्गन बेसिकली एब्सेंट होते हैं और अगर हो तो वो होते हैं यूनिसेलुलर. एंड इंपॉर्टेंट इज एम्ब्रियो.
नहीं पाया जाता, एम्ब्रियो होता है एब्सेंट। फ्रेंड्स और फ्रेंड्स इसके एग्जांपल मैंने पहले बताए हैं, मेनली जो हम पढ़ते हैं जनरल स्टडी में एल्गी एंड फंजाई। सेकंड इज ब्रायोफाइट्स, फ्रेंड्स ब्रायोफाइटा फ्रेंड्स ये मोर एडवांस देन थैलोफाइटा, ये थैलोफाइटा से एडवांस होता है। फ्रेंड्स इसमें बॉडी थैलस लाइक मिलती है और डिफ्रेंशिएटेड भी मिलती है। तो थैलस लाइक बॉडी एग्जांपल है इसका लिवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स, और डिफ्रेंशिएटेड जैसे मॉस हो गया, मॉसेस, इसमें दो चीज पाई जाती है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर मिलती है इसमें एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलती है। प्लस राइजोट्स पाए जाते हैं इसमें, राइजोट्स। वन थिंग इज फ्रेंड्स इसमें रूट्स आर एब्सेंट। सेक्स ऑर्गन होते हैं फ्रेंड्स इसमें, सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होते हैं विद ए स्टेराइल जैकेट ऑफ सेल्स। सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर एंड स्टेराइल जैकेट ऑफ सेल्स एंड एम्ब्रियो, जैसा कि मैंने बताया थैलोफाइटा में एम्ब्रियो नहीं होता लेकिन इसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो इज प्रेजेंट। ओके फ्रेंड्स, एंड वन थिंग वैस्कुलर बंडल्स एब्सेंट, इसमें वैस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं। थर्ड वन इज टेडोफाइटा और टेडोफाइट मोर एडवांस मोर एडवांस देन ब्रायोफाइट्स एंड थैलोफाइटा। इसमें वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इसीलिए हम इनको बोलते हैं वैस्कुलर बंडल क्रिप्टोगेम्स। ऐसे क्रिप्टोगेम्स हैं जिनमें वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। अब फ्रेंड्स प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है, डिफरेंशिएटेड रूट स्टेम एंड लीव्स। फ्रेंड्स इसमें भी सम एक्सेप्शंस होते हैं एंड एम्ब्रियो प्रेजेंट। फ्रेंड्स इसमें एम्ब्रियो होता है। सेकंड इज फेरोगेम्स और
स्पर्मेटोफाइटा। सो फ्लावर एंड सीड्स आर फाउंड। फेनोगेम्स में फ्लावर्स एंड सीड्स बोथ आर फाउंड। ओके, दीज आर टू टाइप्स। फेनोगेम्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज जिम्नोस्पर्म, सेकेंड वन इज एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स, सेकेंड इज एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स फर्स्ट वन इज जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस means naked and sperm means seed. Friends, those plants which have naked seed, matlab ovary wall is absent, seed are not enclosed by ovary wall, or seeds are not enclosed by ovary wall, matlab free seeds. So seeds are born on megasporophylls. Okay, simple flower found means no accessory holes. There is no fruit, फल नहीं होता, and stigma, style and ovary absent. Examples इनके cycas, pinus, etc. Next is एंजियोस्पर्म्स। इसमें क्या है, सीड्स आर इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल। जिम्नोस्पर्म में ओवरी वॉल नहीं थी और इसमें ओवरी वॉल है। जिम्नोस्पर्म में सीड फ्लावर था इनकम्प्लीट, सिंपल था, और एंजियोस्पर्म में कंप्लीट फ्लावर, ऑल नेसेसरी होल्स, कंप्लीट फ्लावर। कार्पल इज प्रेजेंट, जिसको हम गायनिशियम भी बोलते हैं। कार्पल में वही स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। फ्रूट्स प्रेजेंट, इसमें फल बनता है। एंजियोस्पर्म्स हैव टू सब किंगडम, फर्स्ट वन इज मोनोकोट, सेकंड इज डाइकोट। फर्दर वी विल सी मोनोकोट डाइकोट। टुडे वी हैव कंप्लीटेड ओवरव्यू ऑफ बॉटनी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अनदर टॉपिक ऑफ बॉटनी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।